स्वागत है आपका AUBSP के YouTube चैनल में। दोस्तों, CA इंस्टीट्यूट ने 49th कैंपस प्लेसमेंट का रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। CA कैरियर, अगर आप CA स्टूडेंट हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो भी ये इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। 69 ईयर्स ओल्ड है अपना CA इंस्टीट्यूट, 1700 मेंबर से स्टार्ट किया था और आज के डेट में यहाँ पे 2.90 लाख मेंबर्स यहाँ पे बता रहा है कि CA इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हो चुके हैं। ये कैंपस प्लेसमेंट साल में दो बार इंस्टीट्यूट करवाता है, एक अपना फरवरी मार्च, जिसमें नवंबर पिछले टर्म के नवंबर टर्म के एग्जाम में जो क्वालिफाई हुए हैं वो कैंडिडेट, अर्थात अभी फेब और मार्च के महीने में जो कैंपस हुआ था उसमें नवंबर 2018 के कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर किए होंगे, ठीक है। अच्छा, सी इंस्टीट्यूट ये भी इसमें बता दिया है कि पहला जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वो 1995 में हुआ था और उसके बाद 2006 से 2018 तक टोटल 30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो न्यूली क्वालिफाइड हुए वो सिक्योर किए अपना जॉब थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, चलिए अब रिसेंटली जो कैंपसिंग हुआ है उसका रिजल्ट को थोड़ा गौर से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है। इसका डिटेल एनालिसिस तो अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट के थ्रू बताएं कि सर डिटेल एनालिसिस करके बताइए तो मैं एक डिटेल एनालिसिस करके CA इंस्टीट्यूट का जो कैंपसिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम है मैं पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी फेब और मार्च 2019 में जो प्लेसमेंट हुआ है उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 9,011 कैंडिडेट जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे इस कैंपस प्लेसमेंट में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नवंबर 2018 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं वही फेब और मार्च 2019 में अपीयर हुए होंगे, या फिर जिनका कैंपसिंग पिछले टर्म में नहीं हुआ है वो इस बार बैठे होंगे। तो ऐसे ओवरऑल नॉलेज के लिए आपको बता दें कि नवंबर 2018 में कितने न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड हुए थे, टोटल 14969। अगर आप रिपोर्ट की बात करते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं CA इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया ये रिपोर्ट जो कि न्यू सिलेबस में नवंबर 2018 में पब्लिश किया गया था। यहां पे बताया गया है कि 1060 कैंडिडेट जो हैं वो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं नवंबर 2018। तो ये 1060 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड सिलेबस पे है उस पे भी अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे देखिए 13,909 कैंडिडेट जो है ओल्ड सिलेबस में क्वालिफाइड हुए थे, यानी अगर टोटल की बात करें तो 14969 बनता है, यानी 14969 या राउंड ऑफ करें तो 14,000 कैंडिडेट जो है वो न्यूली क्वालिफाइड हुए थे। लेकिन कैंपसिंग के लिए रजिस्टर्ड कितने हुए, 9,000, ठीक है। अच्छा, उस 9,000 कैंडिडेट में फाइनली इंटरव्यू के लिए कितने गए, 6,646। एक बात और आपको बता दिया जाए कि CA इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि इस साल का, साल तो नहीं, इस टर्म यानी फेब मार्च 2019 यानी 49th कैंपस प्लेसमेंट में जितने नंबर ऑफ जॉब ऑफर किए गए हैं वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको कि इस टर्म में जितने भी जॉब ऑफर हुए हैं, कितने ऑफर हुए हैं, यहां पे 3815
नंबर ऑफ जॉब ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज। ठीक है, तो 3,815 जॉब ऑफर किए गए हैं जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, ये इंस्टीट्यूट ने बताया है। ठीक है, इस 3,815 में जॉब कितने कैंडिडेट एक्सेप्ट किए हैं, 3,180 जॉब। राइट, तो फिर से एक बार अगर हम देखें कि 14,900 कैंडिडेट न्यूली क्वालिफाइड हुए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9,000 कैंडिडेट अपने को कैंपसिंग प्लेसमेंट में रजिस्ट्रेशन कराए, उसमें से 6,646 कैंडिडेट जो है फाइनली अपीयर हुए, और जॉब ऑफर किया गया 3,815 और 3,180 कैंडिडेट जो है जॉब को एक्सेप्ट किया। अब बात करते हैं सैलरी का। डोमेस्टिक पोस्टिंग यानी इंडिया में सैलरी जो है वो कितना सबसे हाईएस्ट हुआ, 22.50, यानी 2,00,000 रुपया भी कह सकते हैं आप पर मंथ। सीटीसी कितना है, 22, यानी ज्यादा से ज्यादा 2,00,000 रुपया आप मान के चलिए कि ऑफर हुआ है ऐसे। ठीक है, और हाईएस्ट 36 इंटरनेशनल पोस्टिंग यानी 3,00,000 रुपया इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए पर मंथ, ऐसे थोड़ा समझने में आसान होता है। 22,50,000 हाईएस्ट ऑफर हुआ है डोमेस्टिक पोस्टिंग के लिए और 36,00,000 पर एनम इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए। अर्थात अगर हम साधारण भाषा में अगर आपको कहें कि 2,00,000 रुपया पर मंथ हाईएस्ट गया है इस टर्म पे सैलरी नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे 3,00,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, एवरेज कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 7,00,000 रुपया पर एनम पे कैंडिडेट को जो है वो सैलरी ऑफर किया गया है। ठीक है, अच्छा ये एक बात बता दें कि 3,180 कैंडिडेट जो जॉब एक्सेप्ट किए हैं उनमें से अगर हाईएस्ट वाला सैलरी हटा दिया जाए तो 7,000 के एवरेज में कैंडिडेट को जो है 7,00,000 पर एनम के एवरेज में सैलरी जो है वो कैंपसिंग में मिला है। ठीक है, अभी हम पिछले टर्म से कंपेयर इसको नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी टर्म यानी फेब मार्च 2019 को ही हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज 57% इन कैंपसिंग जॉब मिला है। भाई बहुत ही अच्छी बात है कि 57% जॉब जो है वो इन कैंपसिंग एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात ये है यहाँ पे, सिर्फ इसी टर्म की बात कहा जाए कि 14,000 कैंडिडेट अगर सब कुछ हटा दिया जाए तो 14,000 में सिर्फ 3,180 कैंडिडेट जो है वो इस कैंपसिंग में जॉब पाए हैं। सीए इंस्टीट्यूट अगर कहता है कि सबसे हाईएस्ट जॉब इसमें ऑफर हुआ था, फिर भी अगर कैंपसिंग कितना हुआ परसेंटेज, 57%। अच्छा कितने कंपनी 139 कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंकिंग सेक्टर से बहुत ज्यादा डिमांड है न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ह्यूज डिमांड इन बैंकिंग सेक्टर। अगर कोई ट्रेंड है तो वो है बैंकिंग सेक्टर। इस कैंपसिंग में सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर से जॉब ऑफर हुए हैं। राइट, अच्छा अब इसका पिछले टर्म से अगर तुलना किया जाए फेब मार्च 2018
ऑफ फेब मार्च 2017। तो एक नज़र इस पे भी डालते हैं हम कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे इस टर्म में 2019 में 9000, 2018 में 6000 और 2017 में 4000, यानी सबसे ज़्यादा इसी टर्म में। अच्छा, जॉब जो है कैंडिडेट अपीयर किए हैं जॉब के लिए 2017 में 3300, 3418 में और ये 6000, यानी डबल, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, जॉब पार्टिसिपेटिंग कंपनीज ने कितने जॉब ऑफर किए हैं वो भी तो इस टर्म का हाईएस्ट ही है। पिछले टर्म में 1400 और 1200 रेस्पेक्टिवली जॉब ऑफर किया गया था। अब बात करते हैं 1200 और 1300 जो है वो जॉब एक्सेप्ट किया गया था 2018 और 17 में। तो वाकई इस टर्म में सबसे बढ़िया प्लेसमेंट हुआ है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी की अगर बात करें तो फेब मार्च 2018 में भी 22 लाख ही था। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। ठीक है, और 2017 में 21 लाख था, यानी 1.5 लाख का अंतर हुआ है 2017 से 2019 में। हाईएस्ट सैलरी अगर डोमेस्टिक की बात करें तो, इंडिया में बात करें तो, और वही इंटरनेशनल में तो भाई बहुत ही बढ़िया इस बार परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए 43 लाख हाईएस्ट सैलरी इंटरनेशनल पोस्टिंग हुआ था 43 लाख फेब मार्च 2017 में। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि यहां पे मार खा गया 36 लाख सीए पर एनम, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए एवरेज सैलरी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कौन जाता है 2017, एवरेज सैलरी भी 2017 में हाईएस्ट मिला था और इंटरनेशनल पोस्टिंग का भी हाईएस्ट सैलरी 2017 के फेब मार्च के कैंपस में मिला था। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज जो है वो इस टर्म में हाईएस्ट है 139, जॉब भी ऑफर हुआ है सबसे ज्यादा 139 कंपनीज ने। अच्छा, इसमें न्यू कंपनी 29 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेडली बढ़ना चाहिए। 31 कंपनीज न्यू कंपनीज जो था वो 2017 में था। ठीक है, तो ये है आपका एनालिसिस। उसके बाद एक नजर डालते हैं कि सैलरी को अगर ग्रुप वाइज स्ट्रक्चर में ढाले तो क्या होता है। 730 कैंडिडेट को 9 लाख से ऊपर पर एनम का पैकेज मिला, 1748 कैंडिडेट को 7.5 लाख से लेके 9 लाख तक, और 558 कैंडिडेट को जो है वो 6 से 7.5 लाख पर एनम का पैकेज मिला, 128 कैंडिडेट को 5 लाख से 6 लाख और 4.5 से 5 लाख में 16 कैंडिडेट हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर आपको देखें तो सैलरी ऑफर हुआ है 7.5 से 9 लाख पर एनम। ठीक है, इस फेब मार्च 2019 में। अगर 2018 की बात करें तो सबसे ज़्यादा 9 लाख वाले ही कैंडिडेट थे, उसके बाद सेकंड में आपका 6 लाख से 7.5 लाख, जबकि 2019 में क्या है 7.5 से 9 लाख वाले जो हैं वो ज्यादा कैंडिडेट थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2017 का। 2017 में भी 6 लाख से 7.5 लाख वाले ऑफर जो हैं वो ज्यादा हुए हैं कैंडिडेट को। तो इस टर्म में तो खैर बहुत ज्यादा ऑफर भी हुआ था जॉब, इसलिए जो कैंडिडेट हैं वो 7.5 के पैकेज में, 9 के नीचे पैकेज है, 7.5 से 9 के बीच में 1748 कैंडिडेट को जो है वो ऑफर किया गया है।
पिछली बार की तुलना में तो ये खासकर ये 730 कैंडिडेट भी हाईएस्ट ही हैं, है ना, क्योंकि पिछले टर्म में 9 लाख से ऊपर 524 कैंडिडेट को ऑफर हुआ था और इस बार 730। तो ये रहा आपका फेब मार्च 2019 का कैंपसिंग का एनालिसिस। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट www.icai.org पे लॉगिन करके, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कमेंट के थ्रू आप बताएं कि इस एनालिसिस को डीपली, अर्थात कम से कम 5-6 टर्म का एनालिसिस क्या आप लोग चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं हमें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।